एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू अदर वीडियो। तो पिछले वीडियो में डिस्कवर किया था कि माइनक्राफ्ट के अंदर एक ट्यूटोरियल वर्ल्ड नाम का कुछ चीज होता है, और मैंने तुम लोगों से कमेंट पूछा था कि क्या तुम लोग चाहते हो कि मैं माइनक्राफ्ट का ट्यूटोरियल वर्ल्ड खेलूं, और तुम में से बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया कि यस रॉनी, अपने को माइनक्राफ्ट का ट्यूटोरियल वर्ल्ड देखना है। सो हियर वी आर। तो पिछले वीडियो के बाद मैं गूगल पे गया ये डिस्कवर करने के लिए कि माइनक्राफ्ट का ट्यूटोरियल वर्ल्ड होता क्या है, और मुझे वहां पे ये पता चला कि जो ट्यूटोरियल वर्ल्ड है वो एक नए माइनक्राफ्ट के प्लेयर को माइनक्राफ्ट के बेसिक्स और मैकेनिक्स के बारे में समझाता है। और ये जो है इट इज अवेलेबल ओनली इन द लेगेसी कंसोल एडिशन, जिसका मतलब ये है कि माइनक्राफ्ट के जो ट्यूटोरियल वर्ल्ड है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सबॉक्स पे मिलता था, वो भी पुराने कंसोल वर्जन पे। सो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि माइनक्राफ्ट के कितने सारे ट्यूटोरियल वर्ल्ड है। अब ये सारे वर्जन एक्सबॉक्स के है, तो इन एक्सबॉक्स के वर्जन को हमारे पीसी के माइनक्राफ्ट जावा में रन करने के लिए मेरे को और थोड़ी चीजें ढूंढनी पड़ी, और उसके बाद मुझे ये सारे फोल्डर्स मिले। तो यहाँ पर बेसिकली 1, 2, 5, 9, 14, 19, 31, 46 और 69 वर्ल्ड नंबर 69। और मुझे पता है कि बहुत सारे लोग आज के वीडियो में कमेंट करके इन ट्यूटोरियल वर्ल्ड्स के डाउनलोड्स मांगेंगे, और मैं ऑनेस्टली मुझे पता नहीं कि मैं लीगली ये डाउनलोड्स को तुम्हें दे सकता हूँ या नहीं, पर अगर तुम्हें डाउनलोड्स चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताओ और मैं कुछ ना कुछ सेटिंग बिठाते अपन। ओके गाइस, तो हम लोग माइनक्राफ्ट के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर सारे माइनक्राफ्ट के ट्यूटोरियल वर्ल्ड्स हैं, और हम लोग स्टार्ट करने वाले ट्यूटोरियल वर्ल्ड 1 से। तो जल्दी चल के इसको लोड करते हैं। अब मुझे पता नहीं है कैसे रन करेगा क्योंकि मैं माइनक्राफ्ट चला रहा हूं वर्जन 19.1, और ये जो ट्यूटोरियल 1 वाला वर्ल्ड है ये वर्ल्ड आज से 10 साल पहले बनाया था 2012 में। तो आई डोंट नो वो टाइम पे कौन सा वर्जन था, बट होपफुली ये 10 साल बाद वाले वर्जन में चल जाए। आई मीन चलना चाहिए, कुछ प्रॉब्लम तो होना ही चाहिए। ओके, लोड हो गया, लोडिंग टेरेन, और ये हम लोग माइनक्राफ्ट के अंदर आ चुके हैं, और ये ट्यूटोरियल वर्ल्ड है। भाई कितना लैग कर रहा है, मुझे यहाँ पे 30 FPS आ रहा है, और यहाँ पर बड़ा सा माइनक्राफ्ट का लोगो है जो ऑब्वियसली माइनक्राफ्ट वालों ने हसियांदा से कॉपी किया है। अच्छा। यहाँ पर सबसे पहले भाई हसियांदा का लोगो बना था, भाई माइनक्राफ्ट वाले तो चोर निकले। ऑलराइट, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक मुर्गी घूम रहा है। हेलो मुर्गी, मुर्गी ए मुर्गी, पक 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 पक। राइट, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक चेस्ट रखा हुआ है, और चेस्ट के पीछे एक छोटा सा तालाब बना हुआ है, चेस्ट के अंदर फिशिंग रॉड है, और यहाँ पर एक एम्प्टी मैप। मेरे इन्वेंटरी के अंदर एम्प्टी मैप क्यों है? ओ, एम्प्टी मैप से मैं इस एरिया का मैप बना सकता हूँ। यहाँ पर मैप में तो मुझे कुछ खास मिला नहीं, यहाँ पर यही वाला चीज है, यहाँ पर हम लोग फिशिंग कर सकते हैं। बट आई थिंक सो कि माइनक्राफ्ट ने ना 1.17 या 18 में शायद से फिशिंग को चेंज किया था, और अभी फिशिंग करने के लिए शायद हमको बहुत बड़ा वाला जगह चाहिए। ये 1x1 के ब्लॉक में फिशिंग शायद से भी होता नहीं है, तो यस एग्जैक्टली फिशिंग यहाँ पे चलता नहीं है। और इसके अलावा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक फर्नेस रखा हुआ है, इस फर्नेस के अंदर कुछ नहीं है। यार ये कैसे माइनक्राफ्ट सिखा रहा है, यहाँ पे कुछ ट्यूटोरियल भी नहीं है, बता भी नहीं रहा है कुछ कैसे करना है नहीं करना है। ओके, यहाँ पर एक मैप है, और इस मैप से मुझे पता चल रहा है कि वहां पर कुछ तो है। ये देख रहे हो ऊपर एक कुछ तो लकड़ी का बना हुआ है। एक सेकेंड, ओ वेट, यहाँ पर एक, ओ यहाँ पे बोट रखे हुए है। तो आई थिंक यहाँ पे माइनक्राफ्ट हमको बोट चलाना सिखा रहा है कि माइनक्राफ्ट के अंदर हम लोग इस तरह से बोट चला सकते हैं। आई थिंक सो। और यहाँ पर जो मेरे पास मैप है ना उसके हिसाब से, ओके यही था। ऑलराइट, मेरे को बस ये जानना है कि आपको सिखा, ओ वेट, यहाँ पे एक रास्ता है, ये रास्ता किधर जाता है? ओ, तो यहाँ पर हम लोग एक गांव के अंदर आ चुके हैं, पर क्या ये एक्चुअली स्पॉन्ड इन गांव है? यहाँ पर बेड रखा हुआ है गांव के अंदर, और आई थिंक सो कि पूरे गांव में कोई नहीं होगा क्योंकि ये गांव को यहाँ पर बनाया गया और ये गांव स्पॉन इन नहीं हुआ है। ओ यहाँ पर एक चेस्ट है, चेस्ट के अंदर साला कुछ नहीं है, और यहाँ पर दरवाजा बंद खोलने का। ओके ओके, आई थिंक ये बेसिक चीजें माइनक्राफ्ट का सिखा रहा है, और मेरे को लगता नहीं कि 1 वाले वर्जन में कुछ खास चीजें होंगे, 1 के आगे कुछ ना कुछ हो सकता है, बट आई डोंट थिंक 1 में कुछ खास होगा। यहाँ पर चेस्ट है जिसके अंदर ऑफ कोर्स कुछ नहीं है, यहाँ पे बहुत सारा बेड है। ओ वेट, यहाँ पर ये क्या है? ओके, लगता है हम लोग यहाँ से एक माइनकार्ट लेकर जा सकते हैं, और ये माइनकार्ट कहाँ जाएगा? आई थिंक ये माइनकार्ट हमको इन कासल तक लेकर जाएगा। यार यहाँ पर तो कोई माइनकार्ट है नहीं, तो एक काम करते हैं, मैं कमांड से एक माइनकार्ट निकाल लेता हूँ। ओके, माइनकार्ट आ गया, माइनकार्ट के अंदर बैठेंगे और चालू। ओह ये, हम लोग माइनकार्ट, ओए 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 ओए,
ओके हम लोग माइनक्राफ्ट से वहां से यहाँ तक आ गए। सीरियसली गाइस ये चीजें हम लोग आज के दिन यूज करते हैं और ये चीजें माइनक्राफ्ट में 10 साल पहले थी। कैन यू बिलीव इट, ये सारा जो वर्ल्ड है ये वर्ल्ड आज से 10 साल पहले बनाया गया था। आई मीन आगे की चीजें ऑफकोर्स अभी लोड हो रहे हैं, ये थोड़ा सा एरिया जो है अभी बना है। और अभी हम लोग इस कासल के अंदर जाते हैं। ये कासल के ऊपर एक गेट लगा हुआ है, क्या ये गेट को हम लोग चला सकते है? यहाँ से कुछ रास्ता है क्या? ओ यहाँ पर एक गली है, वेट आई थिंक सो कि यहाँ पर कुछ तो रेडस्टोन होगा ऊपर। क्या यहाँ पर कुछ रेडस्टोन है? ओ नहीं 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 कोई रेस्टोरेंट नहीं है। ओ बाय द वे गाइस क्या तुम लोगों को एक सीक्रेट पता है? मेरा जो ये चैनल है ये चैनल 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स के बहुत ज्यादा करीब है। आई डोंट नो मैंने 5 दिखा के क्यों 10 बोला, 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स, जिसका मतलब ये है कि ये जो प्ले बटन है ये प्ले बटन लिटरली मेरे हाथों के ऊपर बस इधर उड़ रहा है। तुम्हें क्या करना है कि नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है उसके पास जाना है, उसको दबा देना है और तुम जैसे ही उसको दबा दोगे ये जो प्ले बटन है फट करके मेरे हाथ में गिर जाएगा। जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी वीडियो को लाइक करो। आज के वीडियो का लाइक गोल रखते हैं 50,000 लाइक्स का। ये रास्ता कहां जाता है? ओके यहां पर कुछ है नहीं। और ये कासल के अंदर क्या है? ये कासल के अंदर एक बड़ा सा लाइब्रेरी है और यहां पर भी कुछ है नहीं, पर इसके बाजू में एक टावर है। इस टावर के ऊपर क्या है? हम इस टावर के ऊपर जा रहे और इस टावर के ऊपर आई थिंक सो कुछ है नहीं। ओके सो आई थिंक सो जो माइनक्राफ्ट ट्यूटोरियल वर्ल्ड 1 है उसमें बस इतना ही है। अभी बस ये सोचो कि जो वर्ल्ड है ये वर्ल्ड आज से 10 साल पहले बनाया गया था, तो 10 साल पहले जो लोग माइनक्राफ्ट खेलना शुरू कर रहे थे उन लोगों को ऑफकोर्स माइनक्राफ्ट के बारे में और कम चीजें पता थी जितना हमको पता है। तो ये वर्ल्ड आई थिंक सो मोस्टली डिपेंडेंट था बिल्ड करने में, लोगों को सिखाने में, और आई एम नॉट श्योर इसमें क्या था, पर ठीक है जो लोग नए खेल रहे थे आज से 10 साल पहले उनके लिए सही चीज है। बट एनीवे अभी हम लोग जा रहे हैं माइनक्राफ्ट ट्यूटोरियल वर्ल्ड नंबर 3। ओके बट आई एम सरप्राइज गाइस कि ये सारे वर्ल्ड आज से 10 साल पुराने हैं और ये सारे वर्ल्ड एक्सबॉक्स के लिए बनाए गए थे और उन वर्ल्ड्स को हम लोग आज पीसी पे खेल सकते हैं। यार मैं क्या बोल रहा हूँ, एक जमाने में GTA San Andreas लैपटॉप में चलता नहीं था, आज GTA San Andreas एंड्रॉइड पे चलता है, आईफोन पे चलता है, फोन पे चलता है। क्या तुमने कभी बचपन में इमेजिन किया था कि San Andreas और Vice City जो खेलने के लिए हमको पीसी चाहिए था और अगर हमारे पास पीसी था वो किसी दोस्त के घर जाके पीसी पे खेलते थे, वो गेम एक जमाने में हम लोग हमारे फोन पे खेल पाएंगे। ऑलराइट तो हम लोग आ चुके माइनक्राफ्ट ट्यूटोरियल वर्ल्ड नंबर 3 पर और इस वर्ल्ड में भी सेम है, यहाँ पर आई थिंक फिशिंग रॉड रखा हुआ है, ये सब कुछ सेम है। यहाँ पर आई थिंक बोट सी होगा, यप यहाँ पर बोट ही है और यहाँ पे मुझे कुछ चेंज दिख रहा है, ये क्या है? ओ यहाँ पे रेडस्टोन है भाई, ये मजा आएगा मेरे को। तो माइनक्राफ्ट ट्यूटोरियल वर्ल्ड 3 में रेडस्टोन का यूज किया है और रेडस्टोन करता क्या है? ओके तो यहां पर इन्होंने एक पिस्टन बनाकर दिया है जिससे हम लोग पानी को रोक सकते हैं। तो ये टाइप का इन्होंने पिस्टन से डैम बना कर दिया है जिससे लोग को सिखा रहे कि अगर तुम दो पिस्टन लगाओगे उसके ऊपर तुम एक लीवर लगाओगे और ऊपर तुम अगर रेडस्टोन का डस्ट लगा दोगे तो उससे पिस्टन को ऐसे मूव कर सकते हैं। पर यहां पर क्या है? यहां पर अगर हम इस बटन को प्रेस करें तो ये चीज मूव करना चाहिए पर ये चीज मूव नहीं कर रहा है। आई थिंक आई कैन फिक्स इट। तो अगर मैं अभी इसको प्रेस करूं तो ये वहां जाएगा, अगर मैं इसको प्रेस करूं तो ये वहां यहां आएगा। आई थिंक सो यही है, आई थिंक हमें यही फिक्स करना था। ओके ट्यूटोरियल वर्ल्ड 3 मेरा फेवरेट है बिकॉज़ यहां पे ये लोग रेडस्टोन सिखा रहे हैं। अभी यहां से आगे चलते हैं और देखते हैं इस विलेज के पास क्या है। ये जो विलेज है ये बिल्कुल ट्यूटोरियल वर्ल्ड 1 की तरह है, यहां पे कुछ अलग नहीं है, सब कुछ सेम है। बट यहां पर क्या है? बट यहां पर मुझे ये कासल में कुछ तो अलग सा दिख रहा है। एक काम करते हैं ट्रेन राइड को स्किप करते हैं, सीधा चलते हैं कासल में, क्योंकि मुझे देखना है कि कासल में है क्या। ओके तो माइनकार्ट हमें लाकर यहां पर छोड़ेगा, पर इसके आगे ये क्या चीज है? ओ वेट अ सेकंड गाइस, व्हाट द हेल, दिस कांट बी इट। क्या माइनक्राफ्ट ने यहां पर एक कॉबलस्टोन जनरेटर से ब्रिज बनाना सिखाया था? What? Are you serious? Minecraft का ट्यूटोरियल वर्ल्ड 3 जुलाई 13, 2012 में रिलीज हुआ था। तो इसका मतलब ये है कि Minecraft ऐसे कॉबलस्टोन जनरेटर से ब्रिज बनाना 2012 में सिखा रहा था और वो चीज आधे लोग को Minecraft में आज के दिन भी पता नहीं है काम कैसे करता है। What? गाइज ये 2012 के लिए कुछ ज्यादा ही एडवांस चीज है। तो यहाँ पर हमें इस बटन को प्रेस करना है और इसको प्रेस करते ही ये क्लॉक चालू हो गया और ये क्लॉक यहां से कॉबलस्टोन बना रहा है
और उसको पुश कर रहा है। मेरे को समझा यहाँ पर क्या लफड़ा हुआ है। तो अगर तुम लोगों को नहीं पता है, माइनक्राफ्ट ने ना बहुत सारे रेडस्टोन के मैकेनिक्स चेंज किए 2012 से लेके अभी के बीच में, और मेरे को लग रहा है कि ये जो प्रॉब्लम्स है ना, ये जो लफड़ा जो हो रहा है माइनक्राफ्ट का ना, जिससे ये नहीं चल रहा है, ये सारा प्रॉब्लम है जब मैकेनिक चेंज हुआ तब का। अभी इसको हम लोग फिक्स कैसे करेंगे, इसको तोड़ देंगे जिससे बंद हो जाएगा, इसको फिर लगा लेंगे, इसको फिर लगा लेंगे, इसको फिर लगा लेंगे, और इसको हमें ऐसे लगाना है। ओके, तो ये जो चीज माइनक्राफ्ट ने बनाया था 2012 में, उसके बाद ऑफ कोर्स मैकेनिक्स चेंज हुआ है और ये चीज अभी काम नहीं कर रहा है। और क्या तुम्हें पता है कि ये जो माइनक्राफ्ट का मैकेनिक्स है, ये सेम मैकेनिक्स को मैंने यूज किया था हीरोब्रेन एसएमपी के अंदर एक बहुत ही खतरनाक चीज बनाने को। अगर तुम्हें पता है तो मुझे कमेंट करके बताओ क्या है, और आई डोंट थिंक मैं इसको फिक्स करने वाला हूं, क्योंकि ये माइनक्राफ्ट का बहुत ही पुराना चीज है, तो मैं इसको फिक्स नहीं करूंगा, इसको हम लोग ऐसे रहने देते हैं, ये चीज आज के दिन काम नहीं करता। बट हमें इसके आर पार जाने के लिए ऑफ कोर्स क्रिएटिव यूज करके आना पड़ेगा इधर। तो अभी ये कासल के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इस कासल के अंदर माइनक्राफ्ट ने क्या बनाकर रखा है। सब कुछ तो नॉर्मल दिख रहा है जो पहले की तरह था। सो ट्यूटोरियल 1 वर्ल्ड से लेके 3 के बीच में सिर्फ ये रेडस्टोन बदला है और यहां पर कुछ चेंजेस नहीं हुआ है। ये पूरा का पूरा लाइब्रेरी वैसे का वैसा ही है, और मेरे को लगता है कि ये जो टावर है, ये टावर ही बिल्कुल सेम होगा, इसके अंदर भी कुछ चेंजेस नहीं किए रहेंगे। ये टावर ही बिल्कुल सेम है। सो गाइस, ये था माइनक्राफ्ट का ट्यूटोरियल वर्ल्ड नंबर 3। शिट, आई कांट बिलीव गाइस, वर्ल्ड नंबर 1 से लेके 3 के बीच में कितना बदल गया। अभी हम लोग चलने वाले माइनक्राफ्ट ट्यूटोरियल वर्ल्ड 5 के तरफ। ऑलराइट, लोड हो चुका है और ये है माइनक्राफ्ट का ट्यूटोरियल वर्ल्ड नंबर 5। तो इस वर्ल्ड के अंदर सब कुछ सेम है, यहाँ पर फिशिंग रॉड दिया हुआ है, पर मुझे यहाँ पर एक स्टेक दिया हुआ है मेरे इन्वेंटरी के अंदर, और यहाँ पर पीछे ये कुछ तो चीज है, और यहाँ पे ज़ॉम्बी क्यों स्पॉन हो गया, ओए मर जा। सो यहाँ पर सेम है, इधर बोट्स रखा हुआ है, और यहाँ पर भी सेम डैम का गेट बना हुआ है, इसके अंदर रेडस्टोन होगा। यहाँ पर हमें और ज्यादा रेडस्टोन की चीजें दिए हैं, तो आई थिंक सो कि इसमें कुछ और चीजें हो सकती है। यहाँ पर भी सेम चीज है, ये ब्लॉक्स को मूव करने का तरीका बताया गया है। उसके अलावा यहाँ पर सेम डैम वाला गेट है, और एक बार चल के ना इसके ऊपर देख कर आते कि यहाँ पर ऊपर क्या है। तो मैं ऊपर चढ़ू कैसे, अबे रास्ता कहाँ से? आई थिंक हमको ऊपर आने के लिए ना यहाँ से घूम के आना पड़ेगा। तो जल्दी से ये दीवार के थ्रू चलते माइनक्राफ्ट के विलेज के अंदर और देखते हैं कि इस बार क्या विलेज बदला है। और यहाँ पर एक चेस्ट रखा हुआ है, चेस्ट के अंदर म्यूजिक डिस्क है, ज्यूक बॉक्स है, बो और एरोज है। सो मेरे को लग रहा है कि ये माइनक्राफ्ट का वो वर्जन होगा जहाँ पे इन्होंने ज्यूक बॉक्स ऐड किया था और उसके साथ साथ म्यूजिक डिस्क ऐड किया होगा, और यहाँ पे म्यूजिक बज रहा है, दैट्स इट, यासी भी यही म्यूजिक है। ओके, और इसी के साथ साथ मेरे को लग रहा है कि वो और एरो भी इसी वर्जन में ऐड हुआ था। बट यहाँ पर कुछ तो अलग है, यहाँ पर पीछे से पूरा कासल हटा दिया है और इधर एक विलेज रखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे दो विलेज है, यहाँ पर भी सेम ये बना हुआ है जिससे हम लोग माइनकार्ट लेके जा सकते हैं। पर माइनक्राफ्ट ने यहाँ पे माइनकार्ट स्पॉन क्यों नहीं करके दिया है? यहाँ पे साथ में माइनकार्ट देना चाहिए था ना, कैसे माइनकार्ट ले आएगा कोई? पर मेरे को लग रहा है ये वो जमाने में कुछ तो होता रहेगा, कुछ तो तरीका होगा माइनकार्ट निकालने का जो आज के दिन एग्जिस्ट नहीं करता है। बट ये हम लोग आ चुके हैं विलेज के अंदर जहाँ पर एक केक रखा हुआ है, और थैंकफुली मेरे को भूख भी लगा है तो मैंने केक अच्छे से खा लिया। और ये विलेज के अंदर मेरे को तो कुछ खास दिख नहीं रहा है, बट ये विलेज थोड़ा सा अलग लग रहा है, ये हमारा यूजुअल विलेज नहीं है, ठीक है? बिकॉज़ यहाँ पे कोई भी ग्रास का पाथ नहीं है और हम लोग बस रैंडमली ऐसे भटक रहे हैं। ओके, वापस चलते नीचे। यहाँ पर एक साइन बोर्ड लगा हुआ है जिसपे कुछ लिखा नहीं है। यहाँ पर शायद से माइनक्राफ्ट के उस वर्जन में कुछ तो लिखा होगा, बट ये वर्जन के आते आते वो जो लिखा हुआ था वो मैकेनिक्स बदल गया और वो चीज गायब हो गई। सो यहाँ पर कुछ है नहीं। ओ, ये सीढ़ी क्यों है? यहाँ पर ना बाकी के विलेज में आ सकते हैं। ओके, यहाँ पे फार्म वगैरह दिखाया हुआ है, पर इस वर्जन में जो यहाँ पर पीछे कासल था उस कासल को इन्होंने हटा दिया है। अबे यार, मेरे को और भूख लग गई, यहाँ पे केक कहाँ गया? मुझे केक खाना है। थैंक यू माइनक्राफ्ट फॉर द केक। अबे वहां पर कुछ तो है। ओके, यहाँ पर एक और विलेज दिख रहा है मेरे को। तो माइनक्राफ्ट ने इस वर्जन में वो कासल को हटा के यहाँ पर एक विलेज डाला है। जल्दी भाग भाग के चलते विलेज तक और देखते विलेज के अंदर क्या है। ये भी एक नॉर्मल सा डेड विलेज है, पूरे विलेज के अंदर ऑफ कोर्स कोई नहीं होगा।
ये विलेज के अंदर भी कोई नहीं है। ओके, तो अभी हमारा जो ये पार्ट एक्सप्लोर करके हो चुका है, अभी हम लोग चल के देखने वाले कि वो जो वहां पर पहाड़ के ऊपर जो था ना, वो क्या था। अबे यार, माइनक्राफ्ट में कुछ ज्यादा ही जल्दी भूख लगता है यार। ओके, हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। मेरे को लग रहा है ये जो चीज है ना, वो कासल को हटा के उन्होंने ये ऐड किया है, और यहाँ पर भी सेम माइनक्राफ्ट ने कॉबलस्टोन जनरेटर रखा है। शिट, यहाँ पर भी सेम चीज बना हुआ है। गाइस, कैन यू बिलीव इट, माइनक्राफ्ट वालों ने ये रेस्टोरेंट के मैकेनिक्स को लिटरली हर ट्यूटोरियल वर्ल्ड ने बना के दिया था, और फिर भी लोगों को आज के दिन भी इसके बारे में नहीं पता है, और अगर भी पता है तो उनको ये नहीं पता है कि जिस काम कैसे करता है। आई मीन ऑफ कोर्स मैकेनिक्स चेंज हो चुका है, ये वाला भी काम नहीं करेगा। अगर मैं उसको ऑन कर दे तो मेरे को लगता नहीं कि ये वाला भी काम करेगा, क्योंकि मैकेनिक्स बदला है। बट एक सेकेंड, क्या जिस काम कर रहा है, नहीं ये चीज भी काम नहीं कर रहा है। इसको काम कराने का कुछ तो जुगाड़ होना चाहिए। ओके, सो पिछले वाले में यहाँ पर सिर्फ दो दो रिपीटर्स था, अब यहाँ पर इन्होंने चार रिपीटर्स डाला है। तो एक काम करते हैं, अपन इसको तोड़ देते हैं, और चार की जगह यहाँ पर ना हम लोग थोड़े और रिपीटर्स लगा देते हैं। होपफुली इससे ये चीज फिक्स हो जाए। हम लोग उसको छह रिपीटर्स कर देंगे, बट क्या छह रिपीटर्स से ये चीज फिक्स होगा, जानने का एक ही तरीका है। इसको ऑन करते हैं, और क्या ये चीज काम करेगा, काम करना चाहिए। ओके, मेरे को समझे ये चीज काम क्यों नहीं कर रहा है, रुक जाओ, इसको फिक्स करना पड़ेगा अपने को। ओके, मुझे पता है कैसे फिक्स करना है इसको। हमें सबसे पहले इसको तोड़ देना है, फिर हमें इसको भी तोड़ देना है, और हमें इस चीज को तोड़ना है, ऐसे तोड़ना है, ऐसे तोड़ना है। ओके, एंड आई थिंक अभी हमें इसको इस तरह से तोड़ देना है, तो अब ये काम करेगा। होपफुली अभी काम करेगा, प्लीज काम कर जा, बेइज्जती मत करा। यप, ये काम कर रहा है। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, वी फिक्स माइनक्राफ्ट ट्यूटोरियल वर्ल्ड। हमने माइनक्राफ्ट के ट्यूटोरियल वर्ल्ड का जो रेडस्टोन था उसको फिक्स कर दिया। पर साला ये इसके आगे नहीं जाएगा, यहीं पे रुक जाएगा आके। उसके लिए अपने को थोड़ा सा इधर से तोड़ना पड़ेगा इसको ऐसा, और ये लग गए रिपीटर्स। हमें एक नहीं, हमें अनेक रिपीटर्स लगाने पड़ेंगे, आई थिंक सो। अब ये काम कर जाए। ओके, हमें थोड़े और रिपीटर्स बढ़ाने पड़ेंगे। क्या अब ये काम करेगा, ओके okay, ये काम कर रहा है जैसा मुझे चाहिए था, वैसा काम तो नहीं कर रहा है, बट ये चीज काम कर रहा है। तो हमने यहाँ पर सक्सेसफुली माइनक्राफ्ट के ट्यूटोरियल वर्ल्ड में एक रेडस्टोन का ब्रिज बना दिया। मतलब हमने तो नहीं बनाया, ये जो इन्होंने बना रखा था हमने उसको ही फिक्स कर दिया है, बट हमने इसको फिक्स कर दिया और ये चीज काम कर रहा है। तो अगर मैं यहां से इसको भी तोड़ दूं, इट वर्क्स, दिस इज द बेस्ट मैकेनिक माइनक्राफ्ट एवर हैज। ऑलराइट, अभी चलते हम लोग इसके अंदर और देखते कि यहाँ पर क्या है हमारे लिए। सो यहाँ पे कुछ खास तो नहीं लग रहा देख के मुझे, यहाँ पे बहुत सारा नेदर रॉक लगा हुआ है। एक सेकेंड, आई थिंक सो कि ये नेदर अपडेट होगा, आई थिंक यही पर नेदर का अपडेट आया होगा इसी वर्जन के टाइम पे। सो यहाँ पे अंदर क्या है, इस तरफ यहाँ पे नीचे जाने का रास्ता है, और यहाँ पर एक लाइब्रेरी रखा हुआ है। ये बुक शेल्फ का फॉर्मेशन देख के ना मेरे को वो एन्चेंटिंग टेबल की याद आ रही है। क्या तुम लोगों को याद है, मैंने हासियांदा के अंदर ऐसा एक बनाया था जो मैंने ऐसा एक एन्चेंटिंग टेबल बनाया था जिसको हम लोग एक बटन से ऑन कर सकते हैं और एक बटन से ऑफ कर सकते हैं। अगर तुम लोगों को याद है तो भाई तुम हमारे माइनक्राफ्ट के ओजी हो। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक बिस्तर है, और आयरन का पूरा आर्मर दे दिया मेरे को, नाइस, ये तो पहन लेंगे हम लोग। और यहाँ पर एक बेड भी दिया है सोने के लिए, जिसपे निन्नी कर लेंगे थोड़ा सा। गाइस, आई हैव सेट द वर्ल्ड रिकॉर्ड, मैं माइनक्राफ्ट के ट्यूटोरियल वर्ल्ड में सो के आया हूँ। आई डिड निन्नी इन माइनक्राफ्ट ट्यूटोरियल वर्ल्ड, अचीवमेंट अनलॉक्ड एवरीबॉडी। ऑलराइट, अभी चल के देखते कि इस तरफ क्या है, यहाँ पर कुछ तो होना चाहिए। ओके, यहाँ पर एक सीढ़ी है, और सीढ़ी के ऊपर दीवार बंद। ए, इसके पीछे नेदर पोर्टल है। अबे आई थिंक सो ये कोई तो रेस्टोरेंट कंट्रैप्शन है। यहाँ पर एक शवल मिला मेरे को, और इधर बहुत सारे म्यूजिक डिस्क है, बहुत सारे। आई एम वेरी श्योर गाइस कि यही वो माइनक्राफ्ट का अपडेट था जिसमें म्यूजिक डिस्क आया था। और इस साइड कुछ नहीं है, सो खोले कैसे हम लोग। मेरे को लग रहा है कि यहाँ पर ना इसके पीछे पक्का पिस्टन लगे, और वो पिस्टन को हमें किसी भी चीज से एक्टिवेट करना, जिससे
बॉय हाँ ये तो इधर ही है, क्या मैं इधर चढ़ के इसको एक्टिवेट कर सकता हूँ? ओ यस। अबे यार ये सारे चीजें माइनक्राफ्ट ने यही पर बना रखी थी। मेरे को लग रहा है जो माइनक्राफ्ट के ट्यूटोरियल वर्ल्ड्स है ना, ये ट्यूटोरियल सिर्फ और सिर्फ रेडस्टोन के लिए बनाया था उन्होंने और किसी और चीज के लिए नहीं बनाया था। और ये खोलते यहाँ पर नेदर पोर्टल है। बट ये जो नेदर पोर्टल है, ये नेदर पोर्टल ऑफकोर्स एक नया नेदर स्पॉन करेगा अनलेस यहाँ पर पहले से एक नेदर बना। अबे ये क्या नेदर पोर्टल है भाई, चमत्कारी नेदर पोर्टल। एक सेकेंड, क्या ये पुराना वाला नेदर है? आई थिंक सो कि ये पुराना वाला नेदर है। गिर के मेरे को मरना नहीं है। आई थिंक ये पुराना वाला नेदर है, बिकॉज यहाँ मुझे कोई और बायोम नहीं दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पर स्पेक्टेट मोड में उड़ के देखूं तो यहाँ पर दूर दूर तक कोई भी बायोम नहीं। और ये क्या चीज है? यहाँ पे बेडरॉक का दीवार बना के दिया है। ओके आई थिंक सो कि ये जो नेदर है, ये नेदर तभी स्पॉन किया था। शिट, ये नेदर आज से 10 साल पहले स्पॉन हुआ है और यहाँ पे पूरा का पूरा बेडरॉक का वॉल लगा हुआ है कि कोई इसके बाहर जा ना सके। बट अगर बंदे शाणे हो ना तो इसको ऊपर से तोड़ के निकल जाएंगे। क्या इसको कोई ऊपर से तोड़ के निकल सकता है? मतलब अगर किसी को बेडरॉक से भागना हो तो। ओह नहीं शिट, आई थिंक पूरा बेडरॉक भर के रखा है ऊपर तक इन्होंने। हाँ मोजैंग वाले भी शाणे हैं, मोजैंग को पता है डेढ़ शाणा आएगा यही से ऊपर जाने का ट्राई करेगा। बट नहीं, सो ऑल इन ऑल गाइस आई थिंक सो माइनक्राफ्ट का ट्यूटोरियल वर्ल्ड 5 जो है उस टाइम पे बहुत बड़ा अपडेट आया था और उस अपडेट में म्यूजिक डिस्क ऐड किया था, उस अपडेट में रेडस्टोन की चीजें और ज्यादा ऐड करी थी। आई डोंट थिंक और ज्यादा ऐड करी थी, बट मेरे को लग रहा है रेडस्टोन का अपडेट आया होगा और साथ ही साथ मेरे को लग रहा है नेदर का भी अपडेट उसमें आया था, तो वो भी इसी के अंदर था। ऑलराइट, सो और अगला माइनक्राफ्ट वर्ल्ड है माइनक्राफ्ट ट्यूटोरियल वर्ल्ड नंबर 9 जो रिलीज हुआ था अप्रैल 2013 में। तो देखते हैं कि इस वर्ल्ड में क्या नया आया था। यहाँ पर सेम फिशिंग रॉड रखा हुआ है, यहाँ पर पीछे से वो जो था जो गुफा वाला था वो गायब है। यहाँ पर मुझे सेम लग रहा है कि इधर भी बोट होगा। यस यहाँ भी बोट है और यहाँ पर भी सेम रेडस्टोन के कंपोनेंट्स होंगे बहुत सारे, जो ऑफ कोर्स इधर भी है। और यहाँ पर भी ये सेम चीज बना हुआ है, कुछ अलग नहीं है, सेम इधर वही डैम है। तो ये जो बाहर का एरिया है ये पूरा का पूरा सेम है वर्ल्ड नंबर 5 से। अब चलकर देखते कि अंदर क्या है। मेरे को यहाँ पर अंदर कुछ तो अलग दिख रहा है, मतलब बाहर से मुझे कुछ अलग दिख रहा है। यूजुअली यहाँ पर से एक विलेज होता है और यहाँ पर विलेज नहीं है, तो देखते हैं कि इसके अंदर है क्या। ओके, यहाँ पर अंदर आते ही मुझे एक बड़ा सा बिल्डिंग दिख रहा है। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर एंचेंटेड बो है जिसमें फ्लेम की एंचेंटमेंट लगी हुई है। इन्होंने 20 एरोस दिए, एक जूक बॉक्स दिया है और सेम म्यूजिक डिस्क दिया है जो आई थिंक पिछले वर्जन से है। और मेरे को लग रहा है कि ये वाले वर्जन में माइनक्राफ्ट ने ना फ्लेम का अपडेट ऐड किया था, एंचेंटमेंट्स का अपडेट ऐड किया था जो कि बो के अंदर फ्लेम का एंचेंटमेंट है। ओके, यहां से अंदर चल के देखते क्या है। अंदर आने पे इधर दोनों साइड में दो रास्ता जा रहा है, एक पहले हम लोग साइड बाहर का देख के आते क्या है फिर अंदर चलते। यहां पर सेम है, यहां पर माइनकार्ट डालो, माइनकार्ट में बैठ के फुल स्पीड में जाओ ये विलेज तक। एक सेकेंड, क्या ये डेजर्ट टेम्पल है? अबे ये क्या स्ट्रक्चर है? ये मेरे को देखकर एक बहुत पुराना डेजर्ट टेम्पल लग रहा है। आई मीन हो भी सकता है कि माइनक्राफ्ट ने बहुत सारे अपडेट लाए और बहुत से चेंज भी किए। इसके नीचे चल के देखते क्या है। यहाँ पर एक प्रेशर प्लेट लगा है, इसमें मेरे को पैर नहीं डालना है। मेरे को इस प्रेशर प्लेट पे पैर नहीं डालना है, मेरे को चल के देखना है कि इस चेस्ट के अंदर क्या है। यहाँ पर एक और बेसिक का सीढ़ी है जिसको हम लोग ले लेंगे, पता नहीं क्यों बट ले लेंगे। यहाँ पे गोल्ड रखा हुआ है, आयरन रखा हुआ है और अभी चल के इस प्रेशर प्लेट पे पैर डालते और देखते हैं कि क्या। व्हाट भाई, इस पे पैर रखते ही मुझे एक आयरन का स्वॉर्ड मिला, लूटिंग 3 वाला। ओके, मेरे को पक्का लग रहा है कि ट्यूटोरियल वर्ल्ड 9 जब भी आया था वो टाइम पे माइनक्राफ्ट ने एंचेंटमेंट रिलीज किया होगा। अरे काम करते ना, ये एम्प्टी मैप को लेके इसको लोड कर लेते मैप। बहुत गंदे चंक पे मैंने लोड किया है तो ये मैप हमारे किसी काम का नहीं बचा। ओके, अभी अंदर चलते और देखते कि ये साइड सामने क्या है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर फार्म्स बने हुए हैं और यहाँ पे हो रखा हुआ है और यहाँ पर बहुत सारे सीड्स वगैरह दिया है। तो इस वर्ल्ड में माइनक्राफ्ट हमको यहाँ पे फार्मिंग करना सिखा रहा है। ओके, तो तुम लोग गाइस एक पैटर्न नोटिस कर रहे हो। माइनक्राफ्ट ट्यूटोरियल वर्ल्ड 1 में लिटरली कुछ भी नहीं था, बस ऐसे भागो विलेज देखो खत्म। फिर 3 में कुछ और आया, 5 में कुछ और आया और 9 में और भी चीजें आई है। ओके, अब इस तरफ क्या है? यहाँ पर एक और चेस्ट रखा हुआ है जिसके अंदर हमें बहुत सारा फूड आइटम्स दिया हुआ है और यहाँ पे फार्म्स बना के रखा है जहाँ पर एक डॉगी वाला फार्म है, यहाँ पर एक मुर्गी वाला फार्म है जिसके अंडे से कुछ नहीं निकला। ओए बाकी तो ओए बाहर नहीं आना।
अबे यार एक भी मुर्गी नहीं आया। और इसके अंदर मुझे पता नहीं क्या है, कुछ तो था जरूर यहाँ पे, कुछ तो था जो माइनक्राफ्ट में आज के दिन नहीं है। आई मीन कुछ तो चेंज किया होगा उन्होंने, तो आज के दिन नहीं है। यहाँ पर एक पिग है और यहाँ पर भी खाली है, तो मेरे को लग रहा है इन दोनों में कुछ ना कुछ तो हुआ करता था जो माइनक्राफ्ट के आज के वर्जन में नहीं है। क्या तुम्हें कोई आइडिया है कि इसके अंदर क्या था वो टाइम पे? मेरे को नहीं पता, अगर तुम्हें पता है तो बताओ मुझे कमेंट करके। तो अभी हम लोग वापस चलते हैं हमारे इस मेन कासल के अंदर और जाकर देखते हैं कि इस कासल के अंदर क्या है। तो ये हम लोग आ गए कासल के अंदर, और कासल के अंदर मेरे को नेदर पोर्टल का साउंड आ रहा है। कहां से आ रहा साउंड ये? आई थिंक नीचे नेदर पोर्टल है। यहां पर एक लाइब्रेरी है और इधर ये क्या? ओ ये रहा, ये कंफर्म गाइस वही अपडेट है जहां पे इन्होंने एन्चेंटमेंट ऐड की थी, बिकॉज़ यहां पे इन्होंने 64 बॉटल ऑफ एन्चेंटिंग दिया है। बॉटल ऑफ एन्चेंटिंग, ये तो एक्सपी बॉटल है ना, आई थिंक उसको बॉटल ऑफ एन्चेंटिंग ही बोलते हैं। सो चल के इसको यहां पर डाल के थोड़ा सा लेवल बढ़ा लेते हैं, और यहां से चल के हम लोग एक पिकैक्स निकालते हैं, बिकॉज हमारे पास ऑलरेडी एक आयरन का स्वॉर्ड है, तो पिकैक्स को लेते हैं और पिकैक्स को यहां पर रख के ट्राई करते हैं। सारा लापिस चाहिए। अबे यहां पे लापिस नहीं है। ओ शिट, आई थिंक सो माइनक्राफ्ट के ये वर्जन में ना एन्चेंटिंग करने के लिए हमको कुछ लगता नहीं था, मतलब ऐसे ही बस सामान डालो। ओ यस मुझे याद आ गया, पहले ऐसे ही होता था, तुम्हें जो एन्चेंट करना है बस रखो और डायरेक्टली एन्चेंट करके लो बिना लापिस के। लापिस की कोई टेंशन नहीं थी, बट बाद में उन्होंने लापिस ऐड किया क्योंकि एन्चेंटिंग कुछ ज्यादा ईजी हो गया था। तो यहाँ पर कुछ है नहीं हमारे पास करने के लिए। इस तरफ क्या है? यहाँ पर एक ब्रूइंग स्टैंड है, ब्रूइंग स्टैंड के अंदर कुछ नहीं है। और यहाँ पे ग्लास का बॉटल दिया है, यहाँ पर वाटर बकेट दिया हुआ है, यहाँ पर ओ मेरे को समझा ये क्या चीज है। ये अपडेट में जरूर ब्रूइंग का भी अपडेट आया था, इसीलिए यहाँ पर ना ये ब्रूइंग के लिए चीजें रखी हुई है। और यहाँ पर नेदर वॉट्स रखा है, मैग्मा क्यूब रखा है, तो अगर हम लोग नेदर वॉट को इस पे डालेंगे यहाँ पे, और अपने पास अभी अपने पास ब्लेज भी नहीं है, अपने पास ब्लेज पाउडर नहीं है, ब्लेज पाउडर का मेरा काम नहीं करता ये। ओके मे बी वो वर्जन में ऐसे ही था। शिट यार ये ट्यूटोरियल वर्ल्ड खेल के तुमको समझ रहे माइनक्राफ्ट में कितना चेंज हुआ है? मतलब 2030 में तुमको पोशन बनाना था, तुम्हें लिटरली ब्लेज का पाउडर लगता भी नहीं था, और यहाँ पे इन्होंने मैग्मा क्रीम दिया है। मतलब आई थिंक हमें यहाँ पर बनाना था पोशन ऑफ फायर रेजिस्टेंस, जो हम लोग ऑफकोर्स यहाँ पर बना नहीं सकते हैं। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, क्रिएटिव मोड में जाते हैं, इसके थ्रू चल के जाएंगे और देखते हैं कि इसके पीछे क्या है। और इसके पीछे एक चेस्ट रखा हुआ है जिसके अंदर एक और म्यूजिक डिस्क है और फायर प्रोटेक्शन 5 का चेस्ट प्लेट है, जिसको हम पहन लेंगे। ओके सो हम लोग यहां से बाहर आ चुके हैं, अभी चल के देखते हैं कि यहां पर नीचे क्या है। ओके नीचे ये वाला पिस्टन वाला डोर है, आई मीन ब्रिज है, और इसके अंदर एक हेलमेट है और एक और सीढ़ी है। यप ये वाले वर्जन में पक्का एन्चेंटमेंट आया था, को सारे चीजें हमको यहाँ पे एन्चेंटेड मिल रही, और पिछले वाले में कुछ भी एन्चेंटेड नहीं था। तो यहां से बाहर आ जाते हैं, अभी चल के अपने को इधर देखना चाहिए क्या है पीछे। अरे नहीं यहाँ पीछे कुछ खास है, ये पॉइंट मेरे को देखकर लग रहा है इसको बनाया गया है हाथ से, पर यहाँ पीछे कुछ है नहीं। तो चुपचाप एक काम करते हैं, यहाँ से ऊपर चलते हैं और ऊपर जाकर देखते हैं कि ऊपर क्या बनाया हुआ है। अबे यहाँ पर एक चेस्ट रखा है कांच के ऊपर, और ये दरवाजा ऐसा क्यों है? ये लोग कैसे दरवाजा बनाया? वेट यहां पर एक लीवर है। ओके यहां से जूक बॉक्स बज रहा है, और यहां पर सीढ़ी लगा सकते हैं। ओके मेरा कैमरा चिपक गया था, पता नहीं क्या हुआ, बट मैंने इसको रिस्टार्ट कर लिया है। बैक टू द गेम, इस तरफ क्या है? इस तरफ एक टेबल रखा हुआ है और दो बिस्तर है। भाई क्या सजाया हुआ बिस्तर है पे? ये बिस्तर कम सिंहासन ज्यादा लग रहा है। सो आई थिंक यहां पर कुछ, एक सेकेंड, हे ये बंद था ना, क्या ये चीज इस लीवर से खुलता है? यस ओह यस ओह भाई सीक्रेट हिडन डोर बनाया गया यहां पर लीवर लगा के। तो इसके अंदर यहाँ पर एक नेदर पोर्टल है जो फिर से टेढ़ा टेढ़ा नेदर पोर्टल है, और इधर भी कुछ खास है नहीं, बट यहाँ पर ना ऊपर इन्होंने एक चेस्ट रखा है जिस तक कैसे पहुंचना है मेरे को नहीं पता, तो मैं उड़ के आ चुका हूँ स्पेक्टेट में और देखते हैं इसके अंदर क्या है। इसके अंदर एक ये वाली सीढ़ी है और एक
पावर 5 का बो रखा हुआ है। अभी गाइस अगर तुमको रूमर्स पता है तो ये वाली जो सीडी है ना, ये सीडी को माइनक्राफ्ट में भूतिया कहा जाता था। और ये वीडियो मैं रात के 3 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मेरी भी थोड़ी थोड़ी फटी हुई है, पर उसे चला के देखते हैं क्या है इसके अंदर। अब मेरे को समझ रहा है कि ये वाला सीडी चला के बच्चों की माइनक्राफ्ट के अंदर इतनी ज्यादा क्यों पड़ती थी। सो एनीवे गाइस अभी चलते हैं नेदर पोर्टल के अंदर, जो ऑफ कोर्स टेढ़ा-टेढ़ा नेदर पोर्टल है, इसके अंदर जाके देखते हैं कि नेदर के अंदर क्या है। तो हम लोग आ गए नेदर के अंदर, और नेदर के अंदर कुछ बनाया तो है नहीं इन्होंने, बट सरप्राइजिंगली इस बार नेदर पोर्टल सीधा बना है यहाँ पे, तो ये वाले नेदर के अंदर भी कुछ नहीं है। वो यहाँ पे मॉब स्पॉन हुए। ओ भाई, पावर 5 के एक फटके से मॉब मर गया। नाइस। ओ क्या मैं इसको तीर मार सकता हूँ? इधर आ। एक फटके मर गया। सो एनीवे गाइस, ये था हमारा माइनक्राफ्ट का ट्यूटोरियल वर्ल्ड नंबर 9। तो अभी हमने सिर्फ 4 वर्ल्ड स्ट्राइक किए और अभी हमारे पास 5 या 6 और बचे हुए हैं। सो अगर मैं सारे वर्ल्ड्स को एक वीडियो में खेलने जाऊं तो ये वीडियो यार बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, वीडियो लिटरली मूवी ज्यादा बड़ी हो जाएगी। तो एनीवे गाइस, तुम लोग मुझे कमेंट करके बताओ तुम लोगों को अगर वीडियो पसंद आई हो तो मैं इसका पार्ट 2 करूंगा, बाकी के सारे वर्ल्ड्स को ट्राई करेंगे। और इसी के साथ आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। होप सबको आज का वीडियो देखकर मजा आया होगा। मजा आया तो लाइक करो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो। तुमसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तो के लिए बाय बाय।